नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज हमारे रसोई में दोस्तों पत्ता गोभी का बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सब्जी बनने जा रहा है। तो देख सकते हैं, गोभी को मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काटे और मैंने छोटे छोटे साइज के आलू लिया है। तो मैंने एक आलू का दो पीस किए हैं दोस्तों। देख सकते, छोटा आलू था, मैंने इसका छिलका नहीं उतारा क्योंकि अभी नया नया आलू मार्केट में है दोस्तों। इसका छिलका बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। तो मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, सरसों और कलौंजी। तेल गर्म हो गया तो इसके बाद एक तेजपत्ता, दो हरी मिर्च और पाँच छः लहसुन की कलियाँ, इनको एक मिनट के लिए हम भून लेंगे। तो मैंने एक मिनट भून लिया, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। आलू को देख सकते हैं, आलू को मैंने दो मिनट भून लिया। इसको पहले ही भुना है दोस्तों, नहीं तो फिर ये बाद में नहीं भुनाएगा अच्छे से, इसलिए पहले एक दो मिनट तक भून लीजिएगा ताकि आलू हमारा थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो दो मिनट के बाद इसको हम इसमें डाल रहे हैं पत्ता गोभी। इस तरीके से हम डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, और इसको हम चलाते भी जाएंगे। और हम डाल देंगे इसी तरह करके, सारे डाल लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सारे गोभी मैंने इसमें डाल दिए, इसको हम फिर दो से तीन मिनट तक भून लेंगे दोनों को, आलू और गोभी को। और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ दो मिनट तक, ठीक है, दो से तीन मिनट तक इसको भून लेंगे। तो चलिए दो से तीन मिनट बाद मैं इसको दिखाती हूँ अच्छे से भून के। और गल जाएगा हमारा ही गोभी, थोड़ा सा हो जाएगा गलते गलते। तो तीन मिनट हो गए हैं और देख सकते हैं गोभी हमारा गलकर थोड़ा सा ही हो गया है, इतना ही हो जाए दो से तीन मिनट भूनने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और पीसा हुआ मसाला। इसमें धनिया, जीरा, सरसों, काली मिर्च, अदरक, लहसुन प्याज और थोड़ा सा अमचूर का पाउडर, सभी चीज़ें मैंने मिक्स एक साथ पीस ली थी। आप चाहे तो गुंडी मसाला भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको मसाला डालने के बाद चार से पाँच मिनट तक और हम इसे भून लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको हम ढक के पकाएंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब बीच बीच में चलाते हैं, इसको हम ढक के पकाएंगे नहीं तो फिर हमारा मसाला कच्चा रह जाएगा, इसलिए हम मसाले को भी अच्छे से पका लेंगे। आप चाहे तो टमाटर डाल सकते हैं, मैं टमाटर नहीं डालूंगी नहीं तो फिर हमारा सब्जी गीला हो जाएगा, इसीलिए आप चाहे तो डाल सकते हैं। तीन मिनट से मैंने ढक के पकाए थे, और इस तरीके से कढ़ाई के चारों तरफ फैला के हम इसको पकाएंगे दो से तीन मिनट ताकि हमारा सब्जी अच्छे से सूख जाए, गीला गीला ना रहे। इसी तरीके से फैला फैला कर दो से तीन मिनट तक पका लेंगे। आलू हमारा सूख गया है पहले भी देख सकते हैं, और गोभी भी। पढ़ तो और यदि कुछ हो तो आप नहीं पढ़ रहे।